हेलो एवरीबॉडी, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात कर रही हूँ प्रत्यक्ष देवता सूर्य देवता की। आपने अक्सर लोगों को सुबह उठकर सूरज को जल देते हुए देखा होगा और अक्सर अपने पूर्वजों को भी कहते सुना होगा कि भाई आप सुबह उठकर सूरज को जल दीजिए। बहुत सारे लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि भाई हिंदू धर्म जो है बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है एंड बेकार की रूढ़िवादिता को आप लोग फॉलो करते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या साइंटिफिक रीज़न है। तो उन सभी लोगों को तो आज मैं जवाब दूंगी ही, साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगी कोई आप लोगों को ऐसा कहे तो आप लोग ऐसे करके उनको शटअप करा देना और रोज सुबह उठकर आप भी सूरज को जल दे, राइट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या साइंटिफिक बेनिफिट है और क्या लॉजिक है सुबह उठकर सूरज को जल देने के पीछे, क्यों हमारे वेद उपनिषद पुराण हमारे पूर्वज हमें सब कहते हैं कि सुबह उठकर आप सूरज को अर्घ दें, सूर्य देवता की पूजा करें, कैसे सूर्य आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव डालता है, कैसे सूर्य आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, वो पावर कैसे सूर्य देवता आपको देते हैं, साथ ही साथ कौन कौन से बेनिफिट्स हैं और क्या प्रोसीजर है, किस तरह आप सुबह उठकर सूरज को जल दें सूरज की पूरी एनर्जी अपने अंदर लेने के लिए और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। ये सारी बातें आज की वीडियो में आपको पता चलेगी। आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। एंड यस, जो लोग भी आपको इस तरह बोलते हैं ना हिंदू धर्म साइंटिफिक बेस्ड नहीं है, उन सबको ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, राइट। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर गलती से नए टपक गए हो, जिसके चांसेस हमेशा ढेरों होते हैं, तो रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड उसका बेनिफिट ये होगा कि जब मैं लाइव आऊंगी हम लोगों की बातचीत हो सकती है और अक्सर आपको मेरे वीडियोज देखने को मिलेंगे, राइट। एंड अगर अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फट से जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मैं हूँ आपकी लाइफ कोच सिस्टर आरती। एंड कोई प्रॉब्लम है, नॉट टू वरी एट ऑल, आप इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझसे पेड कंसल्टेशन या सेशन भी ले सकते हैं। तो अब हम वीडियो शुरू कर सकते हैं, राइट। देखिए, सूर्य देवता, इनको प्रत्यक्ष देवता भी कहा गया। प्रत्यक्ष देवता क्यों कहा गया? क्योंकि आप इनको अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब कोई पूछे कि आपके भगवान कहाँ है तो सूर्य देवता की तरफ प्रणाम करके बता देना कि वो हमारे ईश्वर सामने है, राइट। अब लोगों का हो सकता है ये कहना हो कि भाई वो तो एक ग्रह है, वो तो है ही, उसमें क्या है, उनको भगवान कहने की क्या जरूरत है। हमारे हिंदुइज्म में ना हम प्रत्येक चीज़ की तरफ, जिस चीज़ से हमारा जीवन चल रहा है, हर उस चीज़ की तरफ हम लोग ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, राइट। तो इसलिए हम लोग उन्हें ईश्वर कहते हैं। बिसाइड दैट, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ईश्वर हूँ और ईश्वर के बिना आपका जीवन संभव नहीं है। तो वो लाइट जो है, वो जो सूर्य देवता है, वो ईश्वर इसलिए है क्योंकि उनके बिना भी जीवन संभव नहीं है। क्या उनके बिना आपकी लाइफ को आप इमेजिन कर सकते हो? उनके बिना जो क्रॉप्स, ग्रेन जो आप खा रहे हो वो सब खा सकते हो? ये पेड़ पौधे जो हैं आपके इर्द गिर्द, उनके बिना हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो सूर्य देवता पावरफुल देवता है जिनकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है, इसीलिए हमें हमेशा उनकी तरफ ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। अब सवाल नंबर दो, ठीक है ये सब मान लिया, अब सूरज को जल देने की क्या ज़रूरत है भाई? देखिए, आप सबको पता है कि सूरज को जल देने से आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सूरज की लाइट में जाने से आपको विटामिन डी मिलता है। अब लोग ये बोलते हैं कि भाई विटामिन डी तो हम वैसे भी ले सकते हैं ना, सूरज में खड़े होके, सुबह उठो वहाँ जाके खड़े हो जाओ, मिल जाएगा। अब जल देने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है सुबह उठकर जब आप नहा कर सूर्य के सामने खड़े होते हैं, जब सूरज निकलता है उसके एक घंटे के अंदर अंदर, वो बेस्ट टाइम है सूर्य देवता की एनर्जी को अपनी बॉडी में लेने के लिए। और आप एक कॉपर के यूटेंसिल में जल को भर के और अपने सर के ऊपर से, यानी कि हाथों को स्ट्रेच करके, आप जब जिस पोजीशन में खड़े होते हो वो पोजीशन से एक योगा की पोजीशन है एक्चुअली में वो, उससे जब आप उस पोजीशन में खड़े होकर हाथों को स्ट्रेच करके, कमर को सीधा रख के, बैकबोन को सीधा रख के सूरज को जब आप जल देते हो, उस जल के बीच में से आप सूर्य देवता को देखते हो, तो जो रेनबो के 7 कलर्स हैं वो कलर्स आपको दिखते हैं और उन कलर्स की वजह से आपकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है और आपकी बॉडी में जो एनर्जी रिसेप्टर है, आप सभी को पता है आप सबकी बॉडी में एनर्जी रिसेप्टर है। मैंने ऑलरेडी कलर थेरेपी पर एक वीडियो बनाया था, जो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वो देख लेना। तो एनर्जी रिसेप्टर्स मतलब आपके बॉडी के जो चक्रा है उन सबके अलग अलग कलर है, किसी का रेड है, किसी का ब्लू है, किसी का वॉयलेट है, किसी का येलो है। तो वो सारे एनर्जी रिसेप्टर्स को एनर्जी मिलती है सूरज की उस लाइट से, उस समय जो आपकी आइज जो है वो एब्जॉर्व करती है, तो उससे आपके सारे जो एनर्जी रिसेप्टर्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं। और जब वो चार्ज हो जाते हैं तो आपकी बॉडी भी चार्ज हो जाती है, आपकी बॉडी हील हो जाती है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, आप एनलाइटन एक्चुअली में फील करने लगते हैं, पॉजिटिविटी से आप भर जाते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम
सुबह उठकर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके तांबे के पात्र से सूरज को अपने सर के ऊपर की तरफ से आप जल देते हैं, उस जल के बीच में से आप उस वाटर के अंदर से सूरज को देखते हैं तो आपको वो लाइट मिलती है जो कि हमारे एनर्जी रिसेप्टर्स तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमारे एनर्जी रिसेप्टर चार्ज होते हैं और हमारे शरीर की रोग दोष बीमारियाँ वो सब खत्म होती है। विटामिन डी बहुत अच्छा मिलता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, हमारा दिमाग बहुत तेज़ होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और साथ ही में शरीर के अलग अलग तरह के जो रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं, हमारा शरीर खुल जाता है एक्चुअली में। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न था, लॉजिक है, जिसकी वजह से हम लोगों को सुबह उठकर सूरज को कंपलसरी सबको जल देना चाहिए अपने रोगों को ख़त्म करने के लिए, अपने एनर्जी रिसेप्टर्स को चार्ज करने के लिए, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के ऊपर। देखिए सूर्य जो है ना वो पिता है, राइट। ऐसा कहा गया कि आप पहचान लीजिए कि आपका सूर्य अच्छा है या ख़राब है। अगर आपने आपके घर में आपके पिताजी जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, आपकी दादाजी को की गोद में आप लोग खेले हैं, आपने अपने दादाजी को देखा है, यानी कि आपके जो बड़े हैं, तो आपका सूर्य बहुत अच्छा है। अगर आपकी आपके पिता के साथ नहीं बनती है, पुत्र और पिता की नहीं बनती है, तो समझ लीजिए पुत्र को समझ लेना चाहिए कि उनका सूर्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो रखा है, तो उन्हें अपने पिता को मनाना चाहिए, राइट। तो देखिए सूरज को जल देने से आप नेम, फेम, मनी, कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करना, अपने लुक्स को अच्छा करना, अपने काम में बहुत अच्छा होना, अपनी वाणी में बहुत अच्छा होना, ये सब कुछ सूर्य अच्छा होने से आपकी लाइफ में हो सकता है। और जिस किसी का सूर्य अच्छा है वो इंसान एक्चुअली में बलशाली होगा, उसके वर्ड ऑथेंटिक होंगे, उस इंसान को किसी को भी बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। वो लोग ब्रूटल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऐसे तो ऐसे, मैंने कह दिया होना है तो होना है, दे आर लाइक दैट, राइट। तो सूर्य को बलशाली करने से एक्चुअली में आपको बल मिलता है, बुद्धि मिलती है, तेज मिलता है, प्रकाश मिलता है, नेम, फेम, मनी, रिलेशनशिप, पावर, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ आपको सूर्य देता है। अगर आपको ये सब कुछ चाहिए है तो आप नियमित रूप से सूर्य देवता को जल दीजिए। सूर्य को जल देते हुए हो सकता है आप चाहो तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए, नहीं तो सूर्य देवता के नाम है ओम घृणी सूर्याय नमः, मित्राय नमः, खे नमः, भास्कराय नमः, मार्थंडे नमः, मनीचय नमः, आदित्य नमः, सूर्याय नमः, इन नामों का उच्चारण करते हुए आप रोज़ सुबह उठकर सूरज को जल दीजिए और फिर देखिएगा आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे आपकी लाइफ बहुत बेटर हो जाती है एंड यू विल डेफिनेटली गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। और जो भी आपको लाइफ में लग रहा था ना कि यार ये काम नहीं हो रहा है, ये कैसे अटक गया, लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं, मैं एक शब्द कहता हूँ तो लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, मैं बहुत लंबी लंबी लोगों को बातें बोल जाता हूँ पर लोग मानते ही नहीं है, मेरे घर में मेरी चलती ही नहीं है, राइट। मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरे रिलेटिव सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, सब तरफ मेरे साथ कलेश हो रहा है, तो ये सब कुछ एक्चुअली में बंद हो जाएगा। बच्चे पढ़ाई में शार्प हो जाएंगे, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, गवर्नमेंट जॉब, अगर आप किसी एक ऊंचे पद पर आसीन होना चाहते हैं, IAS, IPS, पॉलिटिक्स या कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, इट्स नॉट लाइक कुछ बड़ा बड़ा, कुछ छोटा भी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको बहुत इजीली मिल जाए और आप सही राह पर चलें, आपको किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप अपने दम पर ज़िंदगी में आगे निकल जाएँ, तो सूर्य देवता की एक्चुअली में आप रेगुलर पूजा कीजिए। अब द थिंग इज़ दैट कि क्या होगा यार, ऐसे करने से कुछ हो जाएगा, हम सूरज को जल देंगे ये सब कुछ कैसे बदल जाएगा। देखिए जब आप सूरज को जल दे रहे हैं आपके सारे जो रिसेप्टर्स हैं वो एनर्जी ग्रैस्प कर रहे हैं, यानी कि जो सारे रिसेप्टर्स हैं वो सब के सब चार्ज हो जा रहे हैं। जब वो चार्ज हो जा रहा है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जा रहा है, आपका दिमाग जो है वो बहुत तेज़ हो जा रहा है, आपके अंदर के जो रोग थे, जो नेगेटिविटी थी, वो सब कुछ ख़त्म हो जा रही है, आपके ऑरा पूरा बदल जा रहा है, बहुत पॉजिटिव हो जा रहा है, तो ऐसे में आपकी कार्य क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जिस चीज़ को याद करने में आपको घंटों लगते थे वो आप बहुत इजीली याद कर जाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो शार्प हो रहा है, आपके शरीर से रोग खत्म हो जाएंगे, राइट। एंड जब ये सब कुछ कष्ट खत्म होने लगते तो हमारे रिलेशनशिप ऐसे ही लोगों के साथ में अच्छे होने लगते हैं, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी ले सकते हैं। नाउ थिंग इज दैट कि आप कैसे सूर्य देवता को जल दें। देखिए सबसे पहला तो ये कि सुबह जब सूरज निकले, उगने के एक घंटे के अंदर अंदर आप सूरज को जल दे दीजिए। अगर एक घंटे के अंदर अंदर नहीं भी दे पाते हैं तो 8 बजे के बाद नहीं, 8 बजे तक आप सूरज को जल दीजिए, तांबे के पात्र में जल दीजिए, हो सके तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, थोड़ी हल्दी मिला दीजिए, मिला सकते हैं तो, और तब सूरज को जल दीजिए। अपने सर के ऊपर से आप हाथ ले जाते हुए, बॉडी को स्ट्रेच करते हुए, पूरी बैकबोन को स्ट्रेच करते हुए आप सूरज को जल दीजिए, उसकी जल की धारा के बीच से लोटे के
से नीचे की तरफ जब जल धारा बह रही है तो इस बीच से आप लोग सूर्य को देखें अपनी आंखों से एंड एकदम यानी धड़ करके डाल दिए, नहीं धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करते हुए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आप सूरज को जल दीजिए, रेगुलर दीजिए, सेम टाइम पर दीजिए, नहा धोकर आप सूरज को जल दीजिए। एंड यस, आपका आपका नहाना, आपके कपड़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन के पतले कपड़े आप पहन के जल दीजिए, हो सके तो। वैसे तो कायदे में कहा गया है कि आपकी नाभि को अगर सूरज की किरणें मिल जाएं तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है। एंड ब्लैक कलर पहनकर सूरज को जल मत दीजिए। देखिए काले रंग से वैसे भी काला रंग शनि का है एंड शनि और सूर्य दोनों जो है शत्रु ग्रह हैं वैसे तो, काले रंग को आप अवॉइड कीजिए जितना हो सके। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ब्लैक कलर पहनती ही नहीं हूँ, हालांकि कुछ टाइम से मुझे पहनना पड़ रहा है तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मैं खुद पर देखती भी हूँ। लाइक मुझे गुस्सा आने लगा है, मेरी हेल्थ को मतलब मुझे थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ रहा है आजकल, तो हो सके तो काले रंग से परहेज करें। काला और लाल रंग की वैसे भी शत्रुता है तो इन रंगों से आप परहेज करें। हो सके तो लाइट कलर्स पहनकर, कॉटन के पतले कपड़े पहनकर आप सूर्य देवता को जल दीजिए। एंड ऐसा करने से, नियमित रूप से करने से आपकी ज़िंदगी डेफिनेटली बदलेगी। एंड इफ़ यू एग्री ऑन दिस वीडियो गिव मी अ थम्स अप, इफ़ यू डोंट एग्री देन इट्स ओके, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।